नमस्ते दोस्तों, मैं रीना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेचुरल लाइफ में एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज पीस का रीयूज़। जब हम कोई भी नई साड़ी शॉप करते हैं तो उसके साथ अक्सर ब्लाउज पीस तो आते ही हैं, लेकिन कभी कभी हमें उसकी क्वालिटी पसंद नहीं होती है या फिर कलर पसंद नहीं होता है, तो हम उसका ब्लाउज जो होता है वो स्टिच करवाते ही नहीं हैं और रेडीमेड ब्लाउज उसके साथ हम पेयर कर लेते हैं, या तो फिर कोई और साड़ी का ब्लाउज जो रेडीमेड ब्लाउज हमारे पास होता है वही हम उसके साथ मिक्स एंड मैच कर लेते हैं। तो इस तरह के ब्लाउज पीस हमारे पास वेस्ट पड़े हुए होते हैं। तो मेरे पास भी ये एक ब्लाउज पीस है, ये मैंने मार्केट से परचेस किया है, लेकिन आप अपने ब्लाउज पीस का रीयूज़ करना चाहते हैं तो इस आइडिया को फॉलो कर सकते हैं। अब इसके साथ एज अ लाइनिंग मैंने यूज़ किया है शॉपिंग बैग का। इस तरह की जो शॉपिंग बैग आती है वो आपको लेनी है, और जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ उस तरह से इसे कट कर लीजिए और ओपन कर लीजिए। अगर आप इस शॉपिंग बैग का यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छे से टाइट रखेगी, प्लस आपको फोम यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप चाहें तो फोम भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं 24 इंच पर मार्क कर रही हूँ और यहाँ इसके लेंथ में मार्क कर रही हूँ 13 इंच। मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने बैग को कट कर लिया है। अब जो ब्लाउज पीस है उसके ऊपर मैं इस बैग को इस तरह से रखूँगी और इसी के साइज़ से मैं ब्लाउज पीस को भी कट कर लूँगी। अब यहाँ पर अगर आपको फोम यूज़ करना है तो सेम मेज़रमेंट से आप फोम ले लीजिए और दोनों के बीच में आपको फोम रखना है। अब इन दोनों को हम यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेंगे और साइड में जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। तो देखिए, ये पीस हमारा रेडी है। अब यहाँ पर एक साइड में बॉर्डर आ रही है और एक साइड नहीं आ रही है, तो मैंने ब्लाउज पीस से बॉर्डर कट कर लिया और यहाँ पर देखिए सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी, जो हमारी बंद साइड है वहाँ पर। यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमें दोनों साइड से 3 इंच पर मार्क करके स्क्वायर बनाना है और सिलाई की जगह छोड़ते हुए मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। अब इसी स्क्वायर पीस को लेकर मैं सेकंड साइड भी सेम तरीके से कट कर लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये कट हो गया है। अब यहाँ ऊपर की साइड से जो ओपन साइड है वहाँ पर मैं 2 इंच पर मार्क करूँगी और यहाँ नीचे की साइड हमें यहाँ इसे इस तरह से क्रॉस में ज्वाइंट कर लेना है। तो ये हमने ज्वाइंट कर लिया है, मार्क कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे और सेम इसी तरह से हम सेकंड साइड भी इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये पीस हमारा रेडी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो यहाँ पर भी आप फिर से एक बार सिलाई कर लीजिए ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो ये हमने सिलाई कर ली। अब मैं हैंगर के लिए फैब्रिक ले रही हूँ, तो उसका मेज़रमेंट है 20x4 इंच। अब मैंने यहाँ पर बीच में ये शॉपिंग बैग को ही रखा है ताकि हमारा जो हैंगर है वो बहुत ही अच्छे से टाइटली बने और अच्छी फिनिशिंग वाला बने। तो ये हैंगर दोनों हमारे रेडी है। यहाँ पर ऊपर की साइड हमें 2 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर हम हैंगर को सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों साइड हैंगर अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं ज़िप ले रही हूँ। यहाँ ऊपर का जो भी मेज़रमेंट आपका आ रहा है उसी साइज़ की आपको ज़िप लेनी है और ज़िप को मैं यहाँ ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लूँगी। अब इसे इस तरह से हमें टर्न करना है और यहाँ ऊपर भी हम सिलाई कर लेंगे। ध्यान रखें कि हैंगर को आपको आगे की साइड खींच लेना है, ये इसमें सिलाई में ना आए। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम ज़िप को सेकंड साइड भी अटैच कर लेंगे और यहाँ पर हमें अटैच करने के बाद उसके ऊपर भी प्रेस स्टिच कर लेनी है। तो ये हमने सिलाई करके यहाँ पर यहाँ अच्छी फिनिशिंग के साथ फिक्स कर लिया है ज़िप को। अब हमें रनर लेना है और रनर को देखिए, यहाँ इस तरह से हम ऐड कर लेंगे। रनर ऐड करने के बाद देखिए, हम यहाँ पर दोनों साइड से ऊपर से सिलाई कर लेंगे। तो ये दोनों साइड हमने सिलाई कर ली है। अब जो हमारी शॉपिंग बैग थी उसमें से हम यहाँ ऊपर की साइड से ये एक स्ट्रिप कट करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, हमें एक फोल्डेड स्ट्रिप मिल जाएगी। तो जो हमने सिलाई की थी वहाँ पर ऊपर हम इस तरह से इस स्ट्रिप को रखेंगे और ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी और कोई भी थ्रेड बाहर नहीं दिखेगा और बैग भी दिखने में सुंदर लगेगी। अब ये कॉर्नर जो है उसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ ऊपर सिलाई करनी है। उसके बाद हम यहाँ पर भी इस तरह से स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे।
तो ये देखिए हमने यहाँ पर स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। सेम इसी तरह से हम सेकंड साइड भी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पूरा रेडी है। अब जो रनर है वहाँ से हम इसे ओपन करेंगे और इसे राइट साइड पर टर्न कर लेना है। अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लीजिए और इसे सेट कर लीजिए। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल एक हमारा बैग बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। अगर आपको ज़्यादा स्टिचिंग नहीं आती है फिर भी आप अपने ब्लाउज पीस का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और ब्लाउज पीस बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं, तो आप पार्टी वेयर बैग बना सकते हैं। आपके जो भी हैवी साड़ी का ये ब्लाउज है उस साड़ी के साथ आप इस बैग को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, या फिर आपका कोई भी हैवी ड्रेस है तो उसके साथ भी आप इस तरह से इसकी पेयर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान डिज़ाइन है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये बैग अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं। तो हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।